हेलो दोस्तों, इन्फ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इन्फ्रा मटेरियल आ चुका है अपने एक नए वीडियो के अपडेट के साथ, और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इंडिया के प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट और सबसे पहले प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर चलने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग बुलेट ट्रेन की ऑफिस में जाएंगे। वहाँ पर आपको कैसे कल्चर्स होते हैं, क्या क्या फैसिलिटी स्टाफ को दी जाती है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं और ऑफिस का पूरा व्यू आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं एलएनटी के ऑफिस पे, जो कि बुलेट ट्रेन का ऑफिस है। ये वड़ोदरा में ऑफिस है। आप देखिए, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आप देखिए, सेफ्टी के पर्पज़ से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं सेफ्टी के लिए यहाँ सबसे पहले हमको ऑफिस के एंट्री जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हमको एम्बुलेंस दिखता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एंट्रेंस जोन है। तो यहाँ पर जब हम लोग एंट्रेंस से जब घुसते हैं तो देखिए प्रोजेक्ट ऑफिस लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीक़ों से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसेस खड़ी हैं, जिससे स्टाफ जो है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा 250 से 300 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाने के लिए स्टाफ के लिए बसेस हैं और भी व्हीकल्स हैं जो कि यहाँ पर लेके जाते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर बड़े बड़े साइलोज, टावर्स, पर्सनल टावर, लाइटिंग टावर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं जिससे नाइट एंड डे किसी भी टाइम काम करने में यहाँ पे दिक्कत ना हो। ये जो साइलोज के टावर दिख रहे हैं, इसमें सीमेंट फिल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंथली जो है 3 से 4 हज़ार MQ कॉन्क्रीट, जो कि एक पूरे पूरे शहर में जितनी कॉन्क्रीट की खपत होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने में, उतनी खपत यहाँ पे महीने की होती है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितने ज़्यादा साइलोज और भी चीज़ें लगी हैं, मशीनें खड़ी हैं। देख पा रहे होंगे स्टाफ लेकिन यहाँ खुद का आरओ प्लांट भी बैठाया गया है। हर एक चीज़ में जो है मदद करती है, यहाँ कल्चर होता है स्टाफ फैसिलिटी को लेकर ज़्यादा होता है। यहाँ भी हम लोग एलएनटी के बस से बैठ के जो है आगे की तरफ जो है निकलने वाले हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से ये ऑफिस को डेकोरेट किया गया है, बनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए ऑफिस को कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया, बनाया गया। ऑफिस जैसे लगता है कि ये पूरी पूरी सोसाइटी जो है एक नई यहाँ पे बसी हुई है। इसके बाद अगर हम लोग बाहर की तरफ बात करें तो देखिए पूरा हर एक जहाँ पे बैरियर सेफ्टी, हर एक चीज़ को मेजर किया गया है प्रॉपर तरीके से यहाँ पर है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एंट्री पर गार्ड होते हैं जो एंट्री एग्जिट पर ध्यान देते हैं। ये जो है आपको एंट्री से एग्जिट तक भी पूरा जो है मॉनिटर गार्ड के हाथ में होता है। यहाँ से अगर हम लोग निकलेंगे तो कुछ ही देर में यहाँ पे बुलेट ट्रेन की जो लाइन है, जो रूट है, वो हमको देखने को मिलेगी, जिस पे पिलर्स बड़े बड़े खड़े हैं, जिनकी फिनिशिंग और सुंदरता देख के आप लोग को भी लगेगा ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया का प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए इन्फ्रा मटेरियल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।